हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर के सीरीज़ में, जो कि बहुत बहुत स्पेशल है, ये 50वीं एपिसोड है जी इस सीरीज़ का। तो अपना सफ़र करीब करीब एक साल पूर्ण होने वाला है। ये 50वां एपिसोड जो होगा 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच बनी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाएगा जी। तो रिवीजन में बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए, रिवीजन बिल्कुल होते रहना चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी रिवीजन होगी अपने एग्ज़ाम में, उतना ही आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बीते दिनों किस राज्य में मणिपुरी मेती समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला प्राचीन पर्व लाई हराओबा आरंभ हुआ है? तो ये आरंभ हुआ है जी त्रिपुरा में, ठीक है। आप इस रिलेटेड एक फ़ोटो देखिए। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लब कुमार देब। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क त्रिपुरा में है जी, ठीक है। चलिए, बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने किस संगठन की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? तो ये क्वेश्चन मैं वैसे कर चुका हूँ, ये बेंगलुरु से किए थे डीआरडीओ के। डीआरडीओ के लिए 5 कार्यशाला जो इन्होंने उद्घाटन किया है वो बेंगलुरु में है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कलकत्ता में होंगे जी। यहाँ इसको नाम युवा प्रयोगशाला इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो वैज्ञानिक होंगे वो 35 साल से कम उम्र के होंगे। चलिए अब सबका पूरा नाम जान देते हैं। सीबीएसई का पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन होता है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों सुनीता लाकड़ा ने संन्यास की घोषणा की। वे किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो वे हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं जी, अपने देश के, और ये भूतपूर्व कैप्टन भी थे। एक्चुअली इनको थोड़ा नी में प्रॉब्लम आ गई थी, घुटनों में चोट से परेशान थी, इसलिए इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 2018 में उनकी कप्तानी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत दूसरा स्थान हासिल किया था, यानी रनरअप रहा था जी। किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने शुरू किया है जी, ठीक है। राजस्थान के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवला देव घाना यहाँ का बर्ड सेंचुरी है जी, डेजर्ट नेचुरल सेंचुरी है और माउंट आबू सेंचुरी है, ठीक है। चलिए, बीते दिनों लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जागरण के मुख्य संपादक हैं जी, चीफ एडिटर, आप फोटो में देख रहे होंगे, यही हैं संजय गुप्ता, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड बेस्ट है केसरी मराठा ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और सम्मान में लोकमान्य तिलक की प्रतिमा, एक शॉल, एक श्रीफल, मानपत्र और इसके अलावा 1,00,000 रुपया नगद भी दिया जाता है। चलिए, किस राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी डॉक्टर कृतिका शुक्ला और आईपीएस अधिकारी एम दीपिका को दिशा अधिनियम 2019 लागू करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया है? तो आप इन दोनों का फोटो देखिए, ये क्या है जी, आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने इन दोनों को दिशा अधिनियम 2019 जो हाल ही में पास हुआ है उसको लागू करने के लिए नियुक्त किया है। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापिकोंडा नेशनल पार्क है जी, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ? आंध्र प्रदेश में। वहीं संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। भारत सरकार ने किस ई कॉमर्स के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के बिक्री के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जी फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट 2007 में बना था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बीते दिनों किसे ग्लोबल बिहार एक्सलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम पीयूष जायसवाल है। पीयूष जायसवाल, इनका आप एक फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो में आपको दिख रहे होंगे। सीपी ठाकुर जी इनको अवार्ड देते हुए, कौन कौन दे रहे हैं? पद्मश्री से सम्मानित सीपी ठाकुर जी है और महिला
बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष दिलमणि देवी द्वारा पटना में महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया गया। पीयूष जायसवाल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवता दिवस के अवसर पर वैश्विक शांति उत्कृष्टता मानवतावादी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे, अगर आप बिहार से हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीते दिनों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किया है? तो कुल 14 वैज्ञानिकों को ये अवार्ड दिया जाएगा जी, ये फेलोशिप दिया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। बीते दिनों कौन सा राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देखिए, सपोर्ट में नहीं, ये खिलाफ में है, और ये है जी केरला राज्य ने किया है। ठीक है, ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। ठीक है, चलिए बात केरला की आई है तो केरला के बारे में जान जाते हैं। केरला के राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम था। जिला यहाँ 14 हैं जी। राजभाषा मलयालम है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री, तो आपको मैंने फोटो दिखाया, पिनरई विजयन ही है। विधानसभा में यहाँ 140 सीटें हैं जी, और बिहार में 243 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। बीते दिनों प्रतिष्ठित नाट्य सूर पुरस्कार से सम्मानित एवं प्रख्यात नाटककार रत्न ओझा का निधन हो गया। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो वे असम के रहने वाले थे जी, और इनको नाट्य सूर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। चलिए आसाम के बारे में जानते हैं। राजधानी दिसपुर है, लेकिन सबसे बड़ा शहर की बात होगा तो गुवाहाटी, जहां खेलो इंडिया आयोजन किया जा रहा है जी। यहां 33 जिले हैं। वैसे गुवाहाटी में कल मैच भी था। राजभाषा असामिया, गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। जगदीश मुखी राज्यपाल और सर्वानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीते दिनों किस राज्य ने 2020 के महीने के पहले दो दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? देखते हैं कैसा कदम है ये, वैसे अच्छा ही होगा। ये राजस्थान सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है जी, ठीक है ना, कि वहाँ महीने के पहले दो दिन नो व्हीकल डे। बीते दिनों किस भारतीय हरफन मौला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये अपने देश के ऑलराउंडर थे जी, इरफान पठान। इनका फोटो देखिए, यही इरफान पठान, और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। ये अपने देश के लिए आखिरी बार 2012 अक्टूबर 2012 में खेले थे। इन्होंने 2007 के जो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल हुआ था ना, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, और मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे। इन्होंने अपने देश के लिए 2003 में 19 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 29 टेस्ट, 120 ODI और 24 T20 मैच भी खेले इन्होंने। बीते दिनों किस भारतीय निशानबाज ने भोपाल में 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हैं जी सौरभ चौधरी, आप इनको जानते हैं, इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीते हैं एयर पिस्टल में। सरबजीत सिंह ने रजत पदक जीता है जी, और अभिषेक वर्मा ने कांस्य पदक, ठीक है ना। सरबजीत सिंह और अभिषेक वर्मा जो हैं वो हरियाणा से हैं, और ये उत्तर प्रदेश से हैं जी, मैं आपको बता चुका हूँ। जीतू राय जी भी पिस्टल में ही हैं। मैं कुछ नाम बताता हूँ, जैसे राजवर्धन सिंह राठौर 2004 ओलंपिक, 2008 ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा, और 2012 ओलंपिक में गगन राणा, 2012 में ही विजय कुमार, ये सारे के सारे मेडलिस्ट हैं जी। गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता। बीते दिनों कॉमन सर्विस सेंटर CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने फास्टैग की बिक्री के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इन्होंने किया जी पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ, ठीक है ना। फास्टैग के बारे में बता चुका हूँ। तो कॉमन सर्विस सेंटर्स के CEO हैं दिनेश त्यागी, और पेटीएम के विजय शेखर शर्मा हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। इसके CEO और MD हैं सतीश कुमार गुप्ता। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा, दोनों को किया जाएगा जी, ए और बी दोनों, ठीक है। यह अवार्ड BCCI द्वारा दिया जाएगा, और BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, और BCCI के सचिव हैं जय भाई शाह, अमित शाह के बेटे हैं जी जैसा। बीते दिनों किसने
मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीत लिया है। तो यह बड़ोदरा के रहने वाली हैं, आयुषी ढोलकिया, इनका एक फ़ोटो देखेंगे। दूसरे स्थान पे यानी रनर रहे हैं एसएसनी ग्रेसिया और तीसरे स्थान पे एनिसिया गौतुसी। इसके अलावा आयुषी ने बेस्ट इन नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड और बेस्ट इन स्पीच अवार्ड का खिताब भी अपने नाम किया है। इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने के लिए 22 देशों की लड़कियों ने भाग लिया था जी। पैराग्वे के हैं जो रनर रही हैं और सेकंड रनर अप रहे जो हैं वो बोत्सवाना की हैं, ठीक है ना। मिस इंडिया इंटरनेशनल दुनिया का सबसे पुराना टीन है जी, टीन आप कह सकते हैं खिताब है। इसमें एशिया यूरोप अफ्रीका और अमेरिका का भी अलग अलग दिया गया है अवार्ड। बीते दिनों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और MD यानी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है, तो ये हैं हरजीत कौर जोशी, इनका आप एक फ़ोटो देखिए। यही हैं हरजीत कौर जोशी और इनको MD और अध्यक्ष बनाया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक भारत के नवरत्न कंपनी है जी, और ये नवरत्न 2008 में बना था। वैसे इसका जो बना था ये 1961 में ही बन गया था। ये 3 महीने के लिए कंपनी निदेशक के अतिरिक्त पदभार पर भी काम करेंगी। बीते दिनों किस तटस्थ शब्द को अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा वर्ड ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया है, तो ये वर्ड है जी दे, DHEY, ये एक प्रोनाउन है और इसको तटस्थ शब्द के लिए इसको वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है। इस वर्ड की घोषणा डिक्शनरी जो मरियम वेबस्टर है आप जानते हैं इसको वर्ड ऑफ द ईयर रखा था अभी दिसंबर में ही, और अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी ने दे को 2015 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। अब ये 10 सालों का वर्ड हो गया है जी। भारत किस देश को सोलर पार्कों के निर्माण के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, तो ये देगा जी क्यूबा को, क्यूबा को देगा अपने देश के एग्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और क्यूबा के बैंको एक्सटीरियर डी क्यूबा के बीच में समझौता हुआ है। क्यूबा की राजधानी हवाना है और राष्ट्रपति वहाँ के हैं मिगेल डियानस कानेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण किसने शुरू किया है, तो ये शुरू कोलकाता पुलिस ने किया है जी, ठीक है ना। कोलकाता पुलिस ने सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू किया, याद रखिएगा। परियोजना का उद्देश्य शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह पहल राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जी, 23 जिले हैं, राजभाषा बांग्ला है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल से 3 देश टच करते हैं, नेपाल भूटान और बांग्लादेश, और कुछ राज्य भी हैं उनका आप नाम पढ़िए। बीते दिनों किस राज्य के पूर्व राज्यपाल TN चतुर्वेदी का निधन हो गया है, तो भैया ये कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनिए इसको। ये 2002 से 2007 तक कर्नाटक के 14वें राज्यपाल के रूप में काम किया। 84 से 89 तक भारत के एक कैग भी थे, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 1991 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आप ये 3 लाइन 4 लाइन बिल्कुल याद रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों भारतीय विज्ञान कांग्रेस में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मैं वैसे बता चुका हूँ कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में शुरू हुआ है और वहीं पर ये महिला कांग्रेस भी, महिला विज्ञान कांग्रेस भी उद्घाटन हुआ है, ठीक है। इस अवसर पर DRDO के एरोनॉटिकल सिस्टम के महानिदेशक और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहलाती हैं ये कौन, डॉक्टर टेसी थॉमस को मुख्य अतिथि बनाया गया था इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीते दिनों किस भारतीय मूल के 13 वर्षीय किशोरी ने 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है, तो ये सुचेता सतीश हैं, ये दुबई में रहती हैं लेकिन ये भारतीय मूल से हैं जी। इनका फोटो देखिए, इनको ये पुरस्कार दिया गया, ये अवार्ड जीत दिया गया। ये अवार्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान द्वारा समर्पित।
किस राज्य में हर साल 6 जनवरी को पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पत्रकार दिवस मनाया जाता है जी 6 जनवरी को महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और ये मनाया जाता है वहाँ के दिवंगत पत्रकार बाल शास्त्री जंभेकर की स्मृति में। ठीक है, बाल शास्त्री जंभेकर को मराठी भाषा में पत्रकारिता शुरू करने के लिए द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। आप फोटो में उनको देख रहे होंगे जी, ठीक है ना। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। बीते दिनों किस बल्लेबाज ने क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 7वें बल्लेबाज बन गए हैं, मतलब इनसे पहले 6 बल्लेबाज ऑलरेडी 6 छक्के एक ओवर में लगाए हैं। तो ये हैं जी न्यूजीलैंड के लियो कार्टर, इनका आप फोटो देख रहे होंगे। इन्होंने एंटोन डेविच एक गेंदबाज हैं, उनके एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। युवराज सिंह एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 6 छक्के लगाए हैं जी। 6 बल्लेबाज इनसे पहले किन्होंने मारा है आप एक बार नाम पढ़ लीजिए, गैरी सोवर्स, रवि शास्त्री, हर्षल ग्रिप्स, युवराज सिंह, रॉस वाइटली और हरजतुल जजई। बीते दिनों किसने इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में 55वें प्रतिष्ठित हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस का खिताब जीत लिया है? तो ये हैं अपने देश के पी मंगेश चंद्रन, और इन्होंने हराया है रोमेन एडोर्ड को। ठीक है, तो आपको याद रखना है। मैग्नस कार्लसन भी चेस खेलते हैं जी। बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो अपने देश के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने ये साइकिल वॉक परियोजना का आधारशिला रखा है। आप फोटो में देख रहे होंगे, इस परियोजना को नई दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित की जाएगी और दिल्ली साइकिल वॉक में 220 किलोमीटर से अधिक का नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। बीते दिनों किसने नई दिल्ली में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब मतलब ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं पीयूष गोयल। आपको पता है पीयूष गोयल जी हमारे देश के रेलवे मंत्री हैं, इसके साथ इनके पास उद्योग मंत्रालय भी है जी। NSE की बात आई है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फाउंडेशन 1992 में हुआ था, इसका चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं जी, MD और CEO हैं विक्रम लीमे, तो आप याद रखेंगे इसे। बीते दिनों किसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राजीव राय भटनागर हैं, आप बताइए ये कौन है। बिल्कुल सही, ये अभी अभी रिटायर हुए हैं जी, मतलब इनका कार्यकाल खत्म हुआ है, CRPF के महानिदेशक थे। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिए कि CRPF के अब महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो एंट्रीम रूप से बनाया गया है जी SS देसवाल को, ठीक है ना। इनके अलावा KK शर्मा और फारूक खान, जिन्हें 14 नवंबर 2019 को नियुक्त किया गया था, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए, बीते दिनों किसने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पिछले लोकसभा में ये अपने देश के गृह मंत्री थे जी, ठीक है ना। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। बीते दिनों मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण किस राज्य के 35 जिलों के ब्लॉक स्तर पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। केंद्र सरकार द्वारा 2017 में शुरू किया गया इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों को टीकाकरण कवर करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, 75 जिले यहाँ हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री रही थी। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही दिनेश शर्मा, यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री हैं जी। MLA यहाँ पर 404 हैं और MLC 100। बीते दिनों राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है। ये दिल्ली एम्स के नाक कान गला डिपार्टमेंट में प्रमुख थे जी, और इनको अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, पहला अध्यक्ष। प्रमुख डिजिटल ऋणदाता स्टार्टअप रेमफिन ने अपने ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इन्होंने किया है जी PNB मेटलाइफ इंडिया के साथ, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का है मेटलाइफ इंडिया, तो इन्होंने इसके साथ करार किया है। PNB मेटलाइफ इंडिया का स्थापना 2001 में हुआ था और इसके मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO हैं आशीष कुमार श्रीवास्तव। संयुक्त राष्ट्र ने किसे दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी मोस्ट फेमस टीनेजर ऑफ द डिकेड घोषित किया है? तो आप बताइए इसका आंसर।
तो बिल्कुल सही, ये मलाला यूसुफ हजाई हैं जी, ठीक है। इनको डिकेड मतलब पिछले 10 सालों के सबसे फेमस टीनेजर इनको घोषित किया यूएन ने। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ये तो बिल्कुल याद होगा आपको। महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस जी। पहले पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि 22 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा, का आयोजन कहाँ किए जाएंगे? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा जी। आप एक फ़ोटो में देखिए, ये देखिए नवीन पटनायक जी किरण रिजिजू के साथ मिलकर के वहाँ के गेम्स का लोगो और जर्सी का अनावरण किया है, ठीक है। किरण रिजिजू अपने देश के खेल मंत्री हैं जी, केंद्रीय खेल मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो ये किया है जी भारत ने रूस के साथ, ठीक है। इन राइफलों का निर्माण उत्तर प्रदेश के कोरबा में इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये असॉल्ट का नाम भी याद रखना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, राजधानी मॉस्को है जी और करेंसी वहाँ रूबल चलता है। कौन सा शहर 7 से 10 जनवरी तक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियों और अवसरों AMICOS 3 के विषय पर चलने वाली तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा जी कोच्ची शहर, ठीक है। कोच्ची चूँकि केरल में है तो केरल में एराविकुल्लम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, मैथिकेतन सोला नेशनल पार्क है और पंपकुद्दुम सोला नेशनल पार्क है। बीते दिनों किस देश के स्पेस फोर्स के गठन की आधिकारिक घोषणा की गई है? तो किस देश ने किया है जी, ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका के पास थल सेना, जल सेना, वायु सेना के साथ साथ अब एक स्पेस फोर्स होगा, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है जी, यहाँ मुद्रा डॉलर चलती है, ठीक है। बीते दिनों किस राज्य में 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? तो ये उत्सव मनाया जाता है जी गुजरात में। गुजरात में पतंगोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इसका शुभारंभ किया गया। अहमदाबाद में 1989 से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, 33 जिले हैं, राजभाषा गुजराती, 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। विधानसभा में यहाँ 182 सीटें, राज्यसभा में 11, लोकसभा में 26 सीटें हैं जी। बीते दिनों किस देश के स्टार फुटबॉलर डेनियल डी रॉसी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये इटली के थे जी और इन्होंने 2006 में जब फाइनल हुआ था तो फ्रांस को हरा करके ये मैच जो जीता था उस टीम के हिस्सा थे। इन्होंने 2004 से 2017 तक 117 मैच खेले। इटली की राजधानी रोम है, राजभाषा इटालियन या इतालवी है, यहाँ मुद्रा यूरो चलता है जी। सर्जियो मेट्रेला यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कोंटे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फाओ का हेडक्वार्टर रोम में है। बीते दिनों भारतीय उच्चायोग ने किस देश में कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये आयोजन बांग्लादेश में किया गया है जी, ठीक है। हम लोग पिछले साल महात्मा गांधी के 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया तो उनके उपलक्ष्य में ये कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है जी। चलिए, किस राज्य के अलीपुरद्वार जिले में स्थित बक्सा नेशनल पार्क में बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल का 4वां संस्करण का आरंभ हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है जी, बक्सा नेशनल पार्क, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ और नेशनल पार्क है, उसको एक बार देख लेते हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क आप जानते होंगे इसके बारे में, इसके अलावा बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क और सिंगालिया नेशनल पार्क। बीते दिनों भारतीय नौसेना ने अपना पहला त्रिआयामी महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान का शुरुआत कहाँ से किया है? तो ये शुरुआत किया गया मुंबई से जी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखिए। नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, इनसे पहले सुनील लांबा थे जी, ठीक है। चलिए, बीते दिनों किस देश के कैबिनेट ने 5 साल वैधता वाले मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दिया है जी UAE ने, ठीक है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात ने, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने इसका मंजूरी दी है। इसकी राजधानी अबू धाबी है और यहाँ दिरहम चलती है जी करेंसी।
यूएई के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, ठीक है ना, ये एक अरब देश है, ठीक है। चलिए, कौन सा भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की अनुमति मिलने के बाद श्रीलंका में अपना कारोबार को बंद करने जा रहे हैं? तो ये भारतीय बैंक हैं एक्सिस बैंक, साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों बैंक हैं जी, तो ए और बी दोनों, ठीक है। श्रीलंका के राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे हैं, मुद्रा यहाँ रुपया चलता है, राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने हिमाचल माई जीओवी पोर्टल एवं सीएम ऐप की लॉन्च की है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल माई जीओवी और साथ ही सीएम ऐप लॉन्च किया है जी, ठीक है। चलिए, अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो राजधानी शिमला है, इसकी दूसरी राजधानी धर्मशाला है जी। धर्मशाला में एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे बना स्टेडियम है। यहाँ 12 जिले हैं, राजभाषा हिंदी है, गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये स्थापना किया जाएगा जी गुजरात में, ठीक है ना। अभी अभी हमने गुजरात के बारे में बताया, विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे, भारत और किस देश की नौ सेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का 12वां संस्करण गोवा के मोरमू गांव तट पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको पता होगा, ये ओमान के साथ होता है जी, ठीक है। ये भारतीय नौसेना और ओमान के समुद्री अभ्यास है जो 1993 से चला आ रहा है। भारत की तरफ से पोत ब्यास और सुभद्रा भाग लेंगे। बीते दिनों किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किया है? तो आप फोटो में देखिए, अमित शाह जी कर रहे हैं इस किताब का विमोचन, ठीक है ना। चलिए, ये किताब किसके ऊपर लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। बीते दिनों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जिसे कहते हैं ने साल 2020 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इन्होंने कहा है कि ईयर ऑफ मोबिलिटी के नाम से इस साल को हम मनाएंगे जी। इसका मोटो बड़ा शानदार है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, मतलब संरक्षण एवं सुरक्षा। CISF के महानिदेशक हैं राजेश रंजन और स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 को। बीते दिनों 16वां प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो मैंने कल आपसे पूछा भी था, ये मनाया गया जी 9 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस, आप कह सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाने लगा 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। यह समारोह विदेश मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, एक तो विदेश मंत्रालय और दूसरा 2003 से ये शुरू हुआ था 9 जनवरी को। बीते दिनों रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये बने हैं झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष जी, आप देख रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू हैं जो इनको रविंद्रनाथ महतो जी को स्वागत करते हुए। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री बने। बीते दिनों ए शक्ति वेल को किस संस्था के लिए चौथी बार चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये AEPC के ये चौथी बार चेयरमैन बने हैं जी, आप फोटो में देख रहे होंगे। AEPC का पूरा नाम होता है अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हिंदी में बोले तो भारतीय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। इसकी स्थापना 1978 में हुआ था और गुड़गांव हरियाणा में इसका मुख्यालय है। बीते दिनों ईरान की संसद ने किस देश की सेना और उसके रक्षा मंत्रालय पेंटागन को आतंकवादी संस्थाएं घोषित की है? तो इन्होंने अमेरिका के सेनाओं को और उसके रक्षा मंत्रालय को आतंकवादी संस्थाएं घोषित किया है जी, ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान है। बीते दिनों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जोरान मिलनोविच ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? तो इन्होंने जीता है जी क्रोएशिया के, इनका फोटो देखिए। क्रोएशिया की राजधानी जागरेब है और मुद्रा वहाँ कूना चलता है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं अंद्रेज प्लेंकोविक, ठीक है। चलिए, ये पहले प्रधानमंत्री थे। एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये अपने देश में किया जाएगा जी, पुणे में किया जाएगा।
और ये पहली बार किया जाएगा। तो ये भी बात है, दो तरीके से आप याद रखेंगे, ये इंडिया में पहली बार किया जा रहा है, IISER द्वारा ये किया जाता है जी। किस भारतीय मूल के लेखक को ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है? तो ये हैं जसविंदर बिलन, आप इनका एक फ़ोटो देखिए, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनका पहला उपन्यास जो है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में इन्हें £5,000 की राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्था का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो ये गुजरात में है जी, गुजरात में है, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय दर्जे के साथ ही IIT और एम्स के साथ शामिल होने वाला पहला आयुर्वेद संस्थान बन जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2019 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये औरंगाबाद में करेंगे जी। देखिए औरंगाबाद दो है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करेंगे, एक औरंगाबाद बिहार में भी है, ठीक है ना। चलिए, सासाराम के जो मकबरा है वो बिहार वाले औरंगाबाद में है, जबकि बीबी का मकबरा है जो महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद में है, ठीक है। किस देश में 176 यात्रियों को ले जा रही बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो ये ईरान की राजधानी तेहरान में विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जी। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल चलता है, हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं और यहाँ के संसद को मजलिस कहा जाता है, ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। बीते दिनों किसने शहरी सहकारी बैंकों UCB के लिए पर्यवेक्षी ढांचे में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया जी भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने लिया है। RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई में है लेकिन स्थापना कलकत्ता में 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। बीते दिनों किसने शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंक SFB में परिवर्तित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो ऑफकोर्स ये मंजूरी भी RBI ने ही दिया है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट SN 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा जी, केरल कोच्ची में, ठीक है ना। कोच्ची एक शहर है केरल का और यहीं पर SN 2020 का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। उबर टेक्नोलॉजीज इंक ने किस ऑटो मेकर के साथ इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो इन्होंने किया है हुंडई मोटर के साथ, ठीक है, हुंडई मोटर जो गाड़ी बनाती है जी, i10 i20 आपको पता ही होगा। चलिए, बीते दिनों भारतीय महिला वेटलिफ्टर सर्वजीत कौर को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे नाडा बोलते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इनको 4 साल के लिए कर दिया है जी प्रतिबंध। नाडा का स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुआ था और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नाडा के CEO नवीन अग्रवाल हैं। बीते दिनों किस बैंक ने पूर्वानुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी? चलिए अच्छा है, खुश रहने के लिए ख्याल। तो ये डच बैंक ने किया है जी, ये अनुमान लगाया है डच बैंक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बीते दिनों किस बैंक ने मकान खरीदार गारंटी के साथ आवासीय बिल्डर ऋण योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा भारतीय स्टेट बैंक ने किया है जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। SBI के चेयरपर्सन हैं रजनीश कुमार, SBI के MD हैं अंशुला कांत और मुख्यालय इसके मुंबई में है जी। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। देखिए इसका स्थापना पहले तो 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था, फिर 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे के रूप में हुआ था, 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास के रूप में हुआ था और 27 जनवरी 1921 को ये तीनों बैंक मिलकर के इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। बीते दिनों दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है जी विश्व हिंदी दिवस। 9 जनवरी को हमने बताया था आपको कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और ये 2006 से मनाया जाने लगा है जी। 1975 में नागपुर में प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था इसी तारीख को। बीते दिनों
किस राज्य के सुचिंद्रम थानुमलयन मंदिर का लोकप्रिय रथ उत्सव आरंभ हो गया है? तो ये मंदिर है जी तमिलनाडु में, ठीक है ना। आप मंदिर को देखिए, तमिलनाडु में कुछ नेशनल पार्क है, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मादुमलाई नेशनल पार्क और मुकुरथी नेशनल पार्क। बीते दिनों किस महिला टीम ने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है? तो ये लद्दाख की महिला टीम ने जी 7वीं राष्ट्रीय और आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है जी। इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीम भाग ले रहे थे, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। लद्दाख ने फाइनल में दिल्ली को 2-0 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। IHAI का अध्यक्ष KL कुमार हैं। बीते दिनों किसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आवास और शहरी विकास निगम हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका फोटो देखिए, ये है M नागराज और इनको हुडको के अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और हुडको का मुख्यालय नई दिल्ली में है जी। हुडको की स्थापना 25 अप्रैल 1970 को की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने 4.6% किया है जी। किसने? SBI ने। इस रिपोर्ट के अनुसार 2.8% की वृद्धि कृषि क्षेत्र में बताया, उद्योग में 2.5% की वृद्धि और सेवा के क्षेत्र में 6.9% की वृद्धि होगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट इस साल 2 स्थान गिर गया और 84वां स्थान मिला है जी। पिछले साल 82वां स्थान था। इस इंडेक्स में जापान को पहला स्थान मिला है, फिर सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा है जी। मार्च 2020 में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया जाएगा जी। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मतलब इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट करेंगे और ये विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बनने वाला है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो वर्ल्ड बैंक ने 5% बताया है जी 2020 में। उन्होंने 2021 के लिए 5.8% अनुमान लगाया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और मुख्यालय Washington DC। बीते दिनों किस राज्य के भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मिनती मिश्रा का निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के रहने वाली थी। इनका आप एक फ़ोटो देखिए, यही थी मिनती मिश्रा। इन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। चलिए, बीते दिनों किसने चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र में केबल बिछाने के कार्यों का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन श्री रविशंकर प्रसाद जी ने किया है और वो हमारे देश के IT मिनिस्टर भी हैं। शुरुआत में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक 1450 किलोमीटर लंबा केबल बिछाया जाएगा। अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल हैं DK जोशी। अब नेशनल पार्क देख लेते हैं अंडमान निकोबार में। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गल्थे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क और साउथ बटन आइस नेशनल पार्क। साउथ एशियन ट्रेड एवं ट्रेवलर एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये 27वां आयोजन होगा जी और ये नई दिल्ली में किया जाएगा। देश के राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 27वां संस्करण किसका? साउथ एशियन ट्रेड एवं ट्रेवलर एक्सचेंज एक्सपो 2020 का किया जाएगा। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य अचीवर श्रेणी में रहा है? तो यहाँ पर 4 श्रेणी दिया गया था जी। इसमें अचीवर श्रेणी में रहा है हरियाणा, कर्नाटक, केरल, यानी उपरोक्त सभी, ठीक है। और सबसे नीचे वाला जो श्रेणी है उसको बोलते हैं एस्पेरेंट श्रेणी और उसमें रहा है मणिपुर, जम्मू कश्मीर, झारखंड और राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बीते दिनों किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IFC का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं अमित शाह जी। आप फोटो में देखिए, ये केंद्रीय गृह मंत्री हैं।
अब तक 3900 पुलिस स्टेशनों और 700 पुलिस जिलों को cybercrime.gov.in से जोड़ा जा चुका है। 12 से 16 जनवरी 2020 के दौरान राष्ट्रीय युवा उत्सव के 23वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये लखनऊ में किया जाएगा जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन युवा मामले व खेल मंत्रालय, कौन है, कौन, किरण रिजिजू हैं जी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार को। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसका उद्घाटन 12 जनवरी को किया जाएगा। वीडियो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन वीडियो होगा अपने इस इसके थीम है जी फिट यूथ और फिट इंडिया। साल का जो भी 295 करंट अफेयर बचा है 30 और 31 का, अगले साल भारत में मर्जर वीडियो आएंगे युवान वाहक को हम INS विक्रमादित्य को कहां तैनात। नमस्कार, ये किया है अरब सागर में तैनात जी, ठीक है, अरब सागर में तैनात किया है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह और पहले सुनील लांबा थे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। बीते दिनों घोषित मिताली राज की बायोपिक फिल्म सवास मिट्ठू के निर्देशक कौन हैं? तो राहुल ढोलकिया इस पिक्चर को निर्देशन कर रहे हैं जी, सवास मिट्ठू के। सवास मिट्ठू एक्चुअली मिताली राज के जीवनी पर बना गया पिक्चर है, और इसमें जो मिताली राज की भूमिका में रहेंगे वो तापसी पन्नू रहेंगे, आप इनको फोटो में देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किस मंत्रालय ने 10 जनवरी 2020 को पूर्वोदय नामक विश्व स्तरीय स्टील हब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने किया है। कौन है केंद्रीय इस्पात मंत्री? उनके पास एक और मंत्रालय है, पेट्रोलियम मंत्री भी उन्हीं के पास है जी। तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं केंद्रीय इस्पात मंत्री। ये पूर्वोदय के बाद हमारा जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य है वो उसमें मतलब मददगार होंगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ लगने वाली सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में नॉन कट स्टील फेंस लगाने की घोषणा की है? तो ये फेंस लगेगा बांग्लादेश सीमा पर और पाकिस्तान सीमा पर, तो ए और बी दोनों सही हैं। स्टील फेंस के अलावा भारत और पाकिस्तान के साथ लगने वाले सीमा पर लेजर फेंस भी लगाए जाएंगे, और ये CIMBMS द्वारा किया जा रहा है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 10 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने किसके साथ मिलकर इंडियाज एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट जारी किया है? तो इन्होंने नीति आयोग के साथ मिलकर के ये रिपोर्ट जारी किया है जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने एक जर्मन फर्म के साथ राज्य में जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक प्रकार के रसायन मुक्त कृषि पद्धति है जी, और ये है जो आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल में ये कृषि की जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार 2018 में देश भर में कितने किसानों ने आत्महत्या की है? तो कुल 10,349 किसानों ने आत्महत्या किया 2018 में जी, जो कि 2016 से बहुत कम है। 2016 में 11,379 लोगों ने किया था, 2018 में 1,34,516 लोगों ने आत्महत्या की है। अब जानते हैं जरा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, जिसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रह एवं स्रोत के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सूचना प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय पुलिस को सशक्त बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसने मार्केट स्टडी ऑन ई कॉमर्स इन इंडिया की फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी की गई है जी। ठीक है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे रिपोर्ट का नाम भी और किसके द्वारा किया गया है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CII द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों किसने किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा की है? तो ये किया है ICAR, आप जानते होंगे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बोलते हैं इसको, तो ICAR द्वारा किसान नवोन्मेष कोष की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक है ना, इसकी स्थापना मतलब ICAR का 15 जुलाई 1929 को की गई थी, मतलब आज़ादी से पहले, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। बीते दिनों किस देश के सबसे लंबे समय तक शासक रहे सुल्तान काबू बिन सैद का निधन हो गया है? तो आप बताइए, ये इसका सही आंसर है जी ओमान। ओमान के ये सुल्तान थे, इनका फोटो देखिए, और इन्होंने 1970 से ही वहाँ के सुल्तान रहे हैं। ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमानी रियाल यहाँ की मुद्रा है जी। आप फोटो में देखिए ओमान का लोकेशन, ये अरेबियन सी से लगा हुआ है, गल्फ ऑफ ओमान ऊपर है।
चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द 51th एपिसोड में। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।